सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ण। अमावस की वो काली रात अजीब सा सन्नाटा ओढ़े लेटी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। बीच बीच में कभी कुत्तों के भौंकने या कभी उनके रोने की आवाज आती तो वो सन्नाटा भंग होता। उस स्याह काली रात के अंधेरे में जब दुनिया नींद की आगोश में थी, तब शमशान में स्थित सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। जिस शमशान में दिन में भी लोग आने से डरते हैं, उसी शमशान के पीपल पेड़ के नीचे 28-29 साल का एक नौजवान सूर्यकांत बहुत ध्यान से कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था। उसके मोबाइल का टॉर्च जला हुआ था और उसने उसे एक पेड़ के नीचे एक पत्थर से टिका कर रखा था। टॉर्च की रोशनी में वह खुद एक झोले से कुछ सामग्री निकाल निकाल कर पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रहा था। कुछ ही देर में वह अपने साथ लाए झोले का सारा सामान जमीन पर निकाल चुका था। शराब की बोतल, तेज गंध वाला इत्र, काला कपड़ा, धुएं, दीप, आटा, कोयला, तेल, दो नींबू जिसे लाल रंग में रंग दिया गया था, एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी। सूर्यकांत ने अपने सारे वस्त्र एक स्थान पर उतारे और नग्न अवस्था में आ गया। फिर उसने एक गोला घेरा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आटे का घेरा बनाया, उसके बाद कोयले का घेरा। तीनों घेरे तैयार होने के बाद वो उस घेरे के अंदर पालथी मारकर बैठ गया। कुत्तों के रोने की आवाज अब बंद हो गई थी, हालांकि बीच बीच में झिंगूर की आवाज आती। पेड़ पर कुछ जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेड़ की डाली पर कोई बल्ब बांध दिया हो, लेकिन सूर्यकांत इन सब बातों से बेखबर पूरी तल्लीनता से वो कर रहा था जिसके लिए वो यहां आया था। सूर्यकांत बहुत सावधानी से अपने साथ लाए इत्रों को चारों दिशाओं में छिड़क रहा था। फिर बचे इन इत्रों को उसने अपने बदन पर मल लिया। उस समय थोड़ी हवा चलने लगी थी, इसलिए दीपक जलाने में उसे दिक्कत हो रही थी, लेकिन 3-4 बार की असफल कोशिश के बाद उसने माचिस से पहले दीपक को जलाया, फिर धूप को। उसका धुआं तुरंत ही वहां फैलने लगा। फिर उसने लोहे की चाकू को ध्यान से देखा, मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पलों के बाद पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज ने सन्नाटे को फिर से बंद किया और फिर से वहां छा गई वही खामोशी। वो भी अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और वो साधना में लीन हो गया था। पिछले एक सप्ताह से वो हर रात शमशान में आकर यही प्रक्रिया बार बार किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्रियों के साथ वो शमशान में आता और आधी रात से साधना शुरू कर देता। ये साधना सुबह के 3 बजे तक चलती, फिर वो वापस अपने घर लौट जाता। लेकिन आज जब उसने अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं, इन सब का सब गलत है। एक सप्ताह हो गए लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ मुझे। मैं कल से साधना के लिए नहीं आऊंगा। सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे रहा था और इसका पहला कारण तो ये था कि उसने जिस उम्मीद के साथ साधना शुरू की थी उसका फल उसे नहीं मिल रहा था, और दूसरा कारण था पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच का भी वास होता है। उनके प्रकोप से बचने के लिए ही वो साधना के समय 3 घेरे बनाया करता। वो उनसे तो बच जाता, लेकिन रात को निकलने वाले कीड़े उसे लहूलुहान कर देते। वो साधना तो करता लेकिन दर्द से वो बेचैन हो जाता। हर दिन उसका पूरा शरीर रक्त से भर जाता। उन कीड़ों के काटने के कारण उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान उभर गए थे। जितनी उम्मीदों से सूर्यकांत ने साधना शुरू की थी
उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि एक सप्ताह बाद भी उसके हाथ खाली थे। उसके हाथ की रेखाएं अब भी उससे नाराज थी। अगले रोज वह साधना के लिए शमशान नहीं गया, लेकिन उसका नहीं जाना उस पर एक बड़ी मुसीबत बनकर टूटा। आधी रात को उसे लगा कि उसे किसी ने हवा में उठाकर नीचे फेंक दिया है। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उस रात उसके साथ 3 बार ऐसा ही घटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। रात को डरते डरते वो किसी तरह सोया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। उसका पूरा शरीर फेंसिंग वाले नुकीले दांतों से बंधा हुआ है, जिसके कारण उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। साथ ही उसके घाव पर मक्खियां बिनबिना रही है। वह एक तरफ से मक्खियों को भगाता है तो मक्खियां दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती। उसके शरीर से निकला खून धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा हो रहा था। उसके घाव पर मंडराने वाली मक्खियों ने अब अपना स्थान बदल लिया था और अब वह जमीन पर जमा खून पर बिनबिना रही थी। यह देखकर सूर्यकांत जोर से चीखता है, लेकिन ये क्या? चीख के बाद उसकी नजर अपने शरीर पर जाती है तो वह देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। ना तो उसका शरीर बंधा हुआ है और ना ही उसके शरीर से खून ही निकल रहा है। वह मक्खियां भी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगली रात भी उसके साथ वही हुआ, लेकिन इस रात का अनुभव पिछली रात से भी भयानक था। आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई स्त्री उसे लगातार घूरे जा रही है। उस स्त्री के मुंह से रक्त की बूंदे टपक रही है। मांस का एक टुकड़ा उस स्त्री के मुंह में है और जब सूर्यकांत की नजर अपने शरीर पर जाती है तो वो देखता है कि वो मांस का टुकड़ा उसी के शरीर से नोचा गया है, जिसके कारण खून की धार फूट पड़ी है। उसकी चादर उस खून से भीग गई है। दर्द और दहशत में आकर जब वो जोर से चिल्लाता है तो आसपास की सारी चीजें उसे फिर से सामान्य दिखाई देने लगती है। लगातार घट रही ये घटनाएं उसे पागल बना रही थी। एक दिन जब वो उदास सा कमरे में बैठा अपने पंखे को गौर से देख रहा था तभी उसे कुछ याद आता है। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात वह फिर से शमशान में साधना के लिए चला जाता है। 2 दिन तक उसके साथ कुछ नहीं घटता, लेकिन 3रे दिन से उसे ऐसा लगता था कि जब वो मंत्र जाप कर रहा होता है तो कोई औरतें बातें कर रही हैं, लेकिन वो क्या बातें करती उसके समझ में ये नहीं आता। उसे यह एहसास अब हर दिन होने लगा था कि कई औरतें उसके पास आकर बातें करती हैं, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता था। साधना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उसे ये समझ में नहीं आता है कि मंत्र जाप के समय कई औरतें नहीं बल्कि सिर्फ एक औरत की आवाज उसके कानों में आ रही है, जो उससे कह रही है, ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा, अभी चला जा यहाँ से। तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है तू? मार दूंगी मैं तुझे। सूर्यकांत डर से कांपने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करता रहा। अगले दिन से तो उसे वो आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा भी लगता कि एक साथ पायल की आवाजें आ रही है तो कभी चोरी होगी, और उसे ये भी एहसास होता कि उसकी पीठ पर कोई अपने नाखून से खरोच रहा है। कुछ महीने बाद अपने बड़े से बंगले में बैठा सूर्यकांत शून्य में ताके जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। बीच बीच में वो उसका एक एक कश लगाता, फिर वो कहीं खो जाता। सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे, लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है मेरे मन में? क्यों ऐसा लगता है कि जेबें भरी है लेकिन अब भी मैं बिल्कुल खाली हूँ? कुछ वैसा ही जैसे खालीपन कुछ महीने पहले था। Thank you.
रजनी तुरंत पूछती, तो फिर क्या था उस संदूक के अंदर? अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, बता रही हूँ ना माँ, सब कुछ बता रही हूँ, पर ऐसे बीच में से कुछ मत पूछो, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। रजनी गौर से अमोदिता की सारी बातें सुनने लग जाती है। अमोदिता गहरी सांस लेती है, फिर कहती है, उस रात दिलीप फूफा जी संदूक खोलकर उसके अंदर बस देखे जा रहे थे। उन्होंने अपना हाथ दिल पर रखा था, जैसे उस चीज को देखकर उनके दिल को बहुत बड़ी राहत मिली हो। उसके बाद उन्होंने तुरंत संदूक बंद कर दिया। मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मैं दिलीप फूफा जी के पीछे पीछे जाने लग गई। वो अपने कमरे में गए और सो गए, पर सोने से पहले उन्होंने वो चाबी अपने सिरहाने में रख दी। पर मैं भी आपकी बेटी हूँ, इतनी आसानी से कैसे उस चाबी को हाथ से जाने दे सकती थी। मैंने अपनी जान पर खेल कर उस चाबी को फूफा जी के सिरहाने में से निकाल लिया। रजनी खुश होते हुए कहती है, शाबाश, ये किया ना तुमने कोई सौदाइनों वाला काम। अमोदिता आगे कहती है, चाबी लेकर मैं सीधे तहखाने के अंदर चली गई। मुझे भी यही लग रहा था कि संदूक के अंदर जरूर हीरे जवाहरात होंगे, पर जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर हीरे जवाहरात नहीं थे। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, वो तू मुझे बता चुकी है कि उसके अंदर से तुझे कोई गहने नहीं मिले, तू ये बता कि तुझे उस संदूक के अंदर क्या मिला। अमोदिता रजनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, उस संदूक के अंदर माइक झुमका था, वो भी सोने का झुमका। वो आम सोने के झुमके की तरह नहीं था, बल्कि कुछ अलग ही था। रजनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा तुमने, झुमका? अमोदिता हामी भरते हुए कहती है, हाँ माँ, साथ में एक कागज भी था। जब मैंने उसे खोला तो देखा उसके अंदर एक नक्शा बना हुआ था। रजनी झट से पूछती है, किस चीज का नक्शा? अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ मैंने कहा ना, बता रही हूँ सब कुछ, बीच में से कुछ मत पूछो, बस चुप रहो। रजनी गुस्से के साथ अमोदिता को घूरने लग जाती है, पर कहती कुछ नहीं, क्योंकि वो उत्साहित होती जा रही थी ये जानने के लिए कि आखिर वो नक्शा किस चीज का था। अमोदिता आगे कहती है, नक्शा को देखकर मैं समझ गई थी कि ये कोई मामूली नक्शा नहीं था, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर राज छुपा था। नक्शा कहीं और का नहीं, बल्कि बंगला मुड़ा गाँव का ही था। रजनी को सब बताते बताते अमोदिता ठीक उसी पल में चली जाती है जब उसके हाथों नक्शा लगा था, और वो नक्शे में जो जगह थी उस तरफ जा रही थी। अंधेरी रात थी और अमोदिता के एक हाथ में नक्शा था तो दूसरे हाथ में मोबाइल, जिसकी टॉर्च की रोशनी के सहारे वो आगे बढ़ते जा रही थी। उस सुनसान जगह पर उसके सिवा कोई और नहीं था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिस कारण ऐसा लगता था जैसे कोई कान के पास कुछ फुसफुसा रहा हो। अमोदिता बंगला मुड़ा गाँव के आखिरी छोर के पास आ गई थी। वहीं पर कृष्णोई नदी और काला झाड़ी जंगल एक ही जगह पर मिलते थे। अमोदिता उसी जगह पर पहुंची थी जहां पर युग और उसके दोस्तों को शालिनी वापस लौटते वक्त अकेले मिली थी। अमोदिता नक्शा देखते हुए खुद से कहती है, लगता है मैं सही जगह पर पहुंच गई, मुझे यहीं पर तो पहुंचना था। अब इस जगह से मुझे 20 कदम राइट साइड में सीधे सीधे जाना है। अमोदिता बिना देरी करे अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है, पर अमोदिता पहले क्लू की तरफ जाने के बजाय उसके राइट साइड से 20 कदम आगे जाने लग जाती है। ये दूसरा रास्ता था जो कि घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। अमोदिता उन झाड़ियों को हटाकर आगे चलते हुए खुद से बड़बड़ाती है, 19 और ये हुए 20, अब यहाँ से सीधे सीधे जाना है, कहीं नहीं मुड़ना है। अमोदिता सीधे सीधे जाने लग जाती है। वो करीब आधे घंटे से सीधे सीधे जा रही थी, पर रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अमोदिता आगे कदम बढ़ाते हुए कहती है, और कितना चलना है, ये गोल मैदान कब आएगा? मैं सही रास्ते पर तो हूँ ना, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गई? इस जंगल को देखकर लगता नहीं कि आगे कोई गोल मैदान भी होगा जो चारों तरफ पेड़ों से घिरा होगा। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता आगे बढ़ी रही थी कि तभी उसके सामने लंबी लंबी जंगली झाड़ियां आ जाती हैं। वो झाड़ियां और पेड़ इतने बड़े और लंबे थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उन पेड़ों के पीछे क्या था। रात के अंधेरे में झाड़ियों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वे सभी पेड़ आपस में गुथे हुए थे। अमोदिता घबराते हुए कहती है, ये क्या, नक्शे में तो इन पेड़ों और झाड़ियों के बारे में कुछ मार्क ही नहीं है, बस गोल मैदान बना हुआ है, अब क्या करूं मैं? अमोदिता सोच में पड़ जाती है कि वो इन पेड़ों को कैसे पार करे। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऊपर से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें उसे और डराए जा रही थी। अमोदिता बुरी तरह फंस चुकी थी। अमोदिता को जो झुमका संदूक में से मिला था उसे उसने अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ था। अमोदिता उस झुमके वाले हाथ को अपने दिल पर रखते हुए कहती है,
अब इतनी दूर आई हूँ तो खाली हाथ वापस लौट कर तो बिल्कुल नहीं जाने वाली मैं। अब जो होगा सो देखा जाएगा। इतना कहकर अमोदिता अपनी आंखें बंद करती है और उन झाड़ियों के बीच में घुसने लग जाती है। अमोदिता को लगा था कि जैसे ही वो झाड़ियों में घुसेगी वो झाड़ियां उसे चुभने लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अमोदिता हैरान हो जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि जैसे जैसे वो अपने कदम झाड़ियों में रखते जा रही थी वो झाड़ियां साइड होते जा रही थी, जैसे वो झाड़ियां उसके लिए जगह बना रही हो। उसी वक्त अमोदिता की नजर उसके हाथ के झुमके पर पड़ती है जिसमें से गोल्डन रोशनी निकल रही थी। अमोदिता समझ जाती है कि ये सब उस झुमके का ही कमाल था। उसके हाथ में कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई झुमका था। अगर वो झुमका उसके पास ना होता तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती। अमोदिता उन झाड़ियों में बिना डरे आगे बढ़ते जा रही थी। कुछ ही देर में अमोदिता झाड़ियां पार कर लेती है और जैसे ही उन झाड़ियों के बाहर कदम रखती है वो देखती है कि वो उसी गोल मैदान में पहुंच गई थी जिसका नक्शे के अंदर जिक्र था। अमोदिता अपने चारों तरफ देखकर खुश होते हुए कहती है, ये गोल मैदान तो चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है, मतलब मैं एकदम सही जगह पर पहुंच गई हूँ। पर अब आगे कहाँ जाना है, नक्शा तो बस यहीं तक बना हुआ है, मतलब ये कि खजाना यहीं पर है। अमोदिता अपने आसपास देखने लग जाती है पर उसे सिवाय 5 लड़कियों की लकड़ी की मूर्तियों के अलावा कुछ नहीं दिखता है जो नटराज मुद्रा में खड़ी हुई थी। उन्हीं मूर्ति के सामने एक बड़ा सा हवन कुंड बना हुआ था जो इस वक्त बुझा हुआ था। अमोदिता अपने आसपास खजाना ढूंढने लग जाती है। वो उस गोल मैदान के पूरे 10 चक्कर मार लेती है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। अमोदिता उदास होते हुए कहती है, ये क्या, यहाँ पर तो कोई खजाना नहीं, आखिर खजाने के लिए तो मैं इतनी रात में यहाँ पर आई थी। अमोदिता मायूस हो जाती है और खुद से बड़बड़ाने लग जाती है। यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर होना चाहिए, वरना दिलीप फूफा इस नक्शे को इतनी हिफाजत के साथ उस संदूक के अंदर नहीं रखते। अमोदिता को बार बार यही बात खाई जा रही थी कि अगर इस जगह पर कुछ नहीं था तो दिलीप ने इस नक्शे को संदूक में क्यों रखा था, वो भी उस झुमके के साथ। अमोदिता कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसकी नजर उन लकड़ी की बनी उन मूर्तियों पर पड़ती है जो एक सीधी कतार में खड़ी हुई थी। अमोदिता उन मूर्तियों को देखते हुए कहती है, कितनी सुंदर है ये मूर्तियाँ, इतनी बारीकियों के साथ बनाया गया इन्हें, देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मूर्ति नहीं हो बल्कि सच की लड़कियां हो, और देखो सब मूर्तियों के चेहरे एक जैसे ही हैं। अमोदिता अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है, इस घने जंगल के बीच इन मूर्तियों का होना ये भी बहुत अजीब है, भला इन्हें यहाँ पर कौन रख कर गया होगा, कहीं इसी के नीचे तो खजाना नहीं छुपा। हाँ जरूर इन्हीं के नीचे खजाना होगा, तभी तो ये यहाँ पर रखी हुई है। अमोदिता उन मूर्तियों में से पहली मूर्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़ती है और उसकी जगह से हिलाने लग जाती है, पर वो मूर्ति इतनी भारी थी कि अमोदिता से हिल तक नहीं पा रही थी। अमोदिता उस मूर्ति को उसकी जगह से हटाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है पर फिर भी वो मूर्ति जरा सी नहीं हिलती। ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति किसी जादुई शक्ति से उस जगह से बंधी हुई हो जिसे उसकी जगह से नहीं हटाया जा सकता था। अमोदिता मूर्ति हिलाने की कोशिश करते हुए कहती है, हिल जा, ओह ये हिल क्यों नहीं रही, एक काम करती हूँ दूसरी मूर्ति को हटाती हूँ, हो सकता है वो हट जाए। इतना कहकर अमोदिता दूसरी मूर्ति को उसकी जगह से हटाने की कोशिश करने लग जाती है पर वो दूसरी मूर्ति भी उससे हिल तक नहीं पाती है। अमोदिता बिना वक्त जाया किए तीसरी मूर्ति को उसकी जगह से हटाने लग जाती है पर जब तीसरी मूर्ति भी नहीं हिलती तो वो तुरंत चौथी मूर्ति के पास पहुंच जाती है। अमोदिता चौथी मूर्ति को हिलाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर उस मूर्ति के कान के झुमके पर पड़ती है। उस झुमके में अमोदिता को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिस कारण अमोदिता मूर्ति को हिलाना बंद कर देती है। अमोदिता शांत मन से उस मूर्ति को देखने लग जाती है। अमोदिता उस मूर्ति के झुमके को हाथ लगाते हुए खुद से कहती है, ये तो एकदम वैसा ही झुमका है जैसा मुझे उस संदूक के अंदर से मिला था। अमोदिता तुरंत उस मूर्ति के दूसरे कान में देखती है पर उसमें झुमका नहीं लगा हुआ था, उस मूर्ति के बस एक कान में झुमका था। अमोदिता उस मूर्ति का कान देख ही रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि उस मूर्ति के कान के अंदर एक छोटा सा छेद था जिसमें झुमका पहनाया जा सकता था। न जाने अमोदिता के मन में क्या आता है, वो अपने पास रखा झुमका उस मूर्ति के कान में पहनाने लग जाती है। जैसे ही अमोदिता झुमका उस मूर्ति के कान में पहनाती है उसके सामने जो लंबे लंबे पेड़ लगे हुए थे उनमें हलचल होने लग जाती है। अमोदिता डरते हुए खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया,
पेड़ों की जोर से हिलने की आवाज सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते वो पेड़ साइड होने लग जाते हैं और एक रास्ता बनने लग जाता है। अमोदिता की आंखों के सामने अब एक चौड़ी नदी थी जिसके किनारे नजर नहीं आ रहे थे। उस नदी में अमोदिता के गर्दन तक पानी भरा हुआ था जिसमें अमोदिता यूं ही नहीं जा सकती थी वरना वो डूब जाती। अमोदिता बड़बड़ाती है, ये नदी कहाँ से आ गई इस जंगल के बीच में? कहीं ये किश्नोई नदी तो नहीं, पर ये यहाँ पर कैसे आ गई? अमोदिता कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसके दिमाग में झुमके वाला दृश्य चलने लग गया था। उसे याद आता है कि जैसे ही उसने झुमका मूर्ति के कान में लगाया था उसके सामने नदी वाला रास्ता खुल गया था। अमोदिता की नजरों के सामने बार बार झुमके वाला छेद आने लग जाता है और देखते ही देखते उस झुमके के छेद में अमोदिता को ताले का छेद नजर आने लग जाता है। अमोदिता एक लंबी आह भरते हुए कहती है, हाँ कहीं ये झुमका इस मूर्ति की चाबी तो नहीं, और ये मूर्ति किसी चीज का ताला, पर किसका? न जाने अमोदिता के दिमाग में क्या आता है, उसके हाथ अपने आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। अमोदिता झुमके को एक साइड से पकड़ती है और बूंदे को घुमा देती है। जैसे ही झुमका आधा घूमता है अमोदिता के सामने जो नदी आई थी उसमें हलचल होने लग जाती है। देखते ही देखते वो नदी दो साइड में बढ़ जाती है। नदी का आधा पानी एक साइड चले जाता है और आधा पानी दूसरी साइड। नदी का तल दिखने लग गया था जिसके बीचों बीच रेत पर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। उस संदूक को देखकर अमोदिता की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अमोदिता बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम उस संदूक के पास बढ़ाने लग जाती है। उसके मन में लालच पैदा हो गया था खजाना पाने का। जब अमोदिता उस संदूक के करीब पहुंचती है तो देखती है कि ये संदूक बिल्कुल वैसा ही था जैसा हवेली के तहखाने के अंदर रखा हुआ था। अमोदिता उस संदूक को खोलने लग जाती है और वो संदूक बिना किसी चाबी के आसानी से खुल जाता है। वो झुमका ही उस जादुई जगह की मुख्य चाबी थी जिसे अमोदिता लगा चुकी थी। जैसे ही वो संदूक खुलता है अमोदिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी आंखों में गोल्डन रोशनी चमकने लग जाती है। अमोदिता खुशी से हंसने लग जाती है। उसके हाथ वो खजाना लग गया था जिसके लिए वो आई थी। वो संदूक पूरी तरह खजाने से भरा हुआ था। उसके अंदर कई गहने हीरे जवाहरात रखे हुए थे। अमोदिता खुशी से फूले नहीं समाती और पागलों की तरह हंसते हुए गहनों को बाहर निकालते हुए कहती है, मिल गया मिल गया, आखिरकार मुझे खजाना मिल ही गया। अमोदिता गहनों को लगातार बाहर निकाले जा रही थी। खुशी के मारे वो पागल हो गई थी। तभी वो नोटिस करती है कि उसने कई सारे गहने संदूक में से बाहर निकाल लिए थे, पर संदूक अभी भी उतना ही भरा हुआ था जितना पहले भरा हुआ था। अमोदिता बड़बड़ाती है, ये कैसे हो सकता है? ये संदूक तो खाली नहीं हो रहा, कहीं ये वो संदूक तो नहीं जिसके बारे में मैंने किससे कहानियों में सुना था? अमोदिता उस संदूक पर अपने हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ ये वही संदूक है, अनंत संदूक, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। रजनी अमोदिता को टोकते हुए कहती है, क्या कहा तूने, अनंत संदूक? अमोदिता अपनी यादों से बाहर आते हुए कहती है, हाँ माँ अनंत संदूक, वही अनंत संदूक जिसका खजाना कभी खत्म नहीं होता। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी के प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जो बदकार और जनाकार औरत थी, लेकिन इस औरत के यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए और सातों के सातों अल्लाह ताला के वली बन गए। तो ये क्या माजरा था और ऐसा कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और यकीन जानिए दोस्तों, इस बात को आप जानकर एकदम हैरान हो जाएंगे कि इस बदकार औरत के 7 बच्चे अल्लाह के वली कैसे बन गए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिएगा। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल मौजा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए
साथियों बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। इसकी खूबसूरती का ये आलम था कि जो भी उसको देखता उस पर फिदा हो जाता। अल्लाह ताला ने उसको इतनी खूबसूरती अता की थी, लेकिन वो औरत बहुत ही बदकार थी। अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाती और लोगों से जनाहकारी किया करती थी। जनाह करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो जनाहकारी में इस तरह डूबी के पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो जना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया था और जना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने का पलंग बनवा रखा था। अब वो और भी ज्यादा मोटी रकम लेने लगी। उस औरत की साथ वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज्यादा परहेजगार था, गुनाहों से दूर रहता और दिन और रात सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करता था। एक बार वो इबादत गुजार नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा और बदकार औरत अपने महल का दरवाजा खोलकर बैठी थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई और उसको देखकर उसने अल्लाह ताला के डर से अपनी नजरें झुका ली। ये इस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह ये अपने नफस को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर वापस लौट गया, मगर उस औरत की खूबसूरती, उसका हुस्नो जमाल उसकी आंखों और दिमाग में बैठ सा गया था। वो अपने नफस को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सजा देता। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता और कभी आग के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म को आग की तपिश में जलाता, लेकिन उस औरत का ख्याल ज़हनो दिल से ना निकलता। फिर वो मराकबे में, तस्बीह में, तलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे लेकिन उस औरत का ख्याल ना निकाल पाया। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया तो उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ तो एक बार उससे मिल लेता हूँ। वो नौजवान उस औरत के पास गया, उससे उसकी जना की रकम पूछी। उस नौजवान ने कहा, ए औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने उसे अपनी रकम बता दी। उसकी रकम सुनकर ये नौजवान अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली और कुछ सामान बेचकर उस औरत की रकम के बराबर रकम इकट्ठा कर ली। फिर उस औरत को ये रकम ले जाकर दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को अपने सोने के पलंग पर बिठाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी तो ये नौजवान एकदम बेचैन होकर कांपने लगा और सोचा, इतने साल मैंने नेकियां की, इबादतें की, मैं जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने उस औरत से कहा, ए औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैं ये काम नहीं करूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए और जो रकम मैंने तुझे दी है वो चाहे तू अपने पास रख ले और मुझे जाने दे। उस औरत ने उसे छोड़ दिया और कहा, जा निकल यहाँ से। फिर उस औरत ने सोचा कि मैंने ना जाने कितने लोगों के साथ जनाकारी की है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी जना नहीं किया और ये इतना डर गया, इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज्यादा खौफ आ गया कि ये यहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर इस औरत ने उस नौजवान के बारे में बहुत ज्यादा सोचा। दिन और रात उस नौजवान के बारे में ही सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते उसके घर के पास जा पहुंची। जब ये औरत उसके घर के पास जा पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया। उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला और उसने कहा, क्या काम है? तो उस औरत ने उस नौजवान के बारे पूछा कि वो कहाँ है। तो उसके भाई ने कहा कि वो तो मेरा बड़ा भाई था और उसने न जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि डर के मारे कल रात ही उसका इंतकाल हो गया। ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा हैरान हुई और सोचने लगी कि उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, फिर डर के मारे, अल्लाह के खौफ के मारे उसका इंतकाल ही हो गया और मैं कितनी बदकार हूँ, रोजाना जाने कितने गुनाह करती हूँ, मेरा क्या बनेगा।
ये सोचते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और फिर उसके भाई से उसने सारा वाकया बयान कर दिया। तो उसके भाई से उस औरत ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर उस नौजवान के भाई ने सोचा कि जब इस औरत ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा ही कर ली है तो अल्लाह ताला भी इसे माफ कर देगा, और फिर उसने इस औरत से शादी कर ली। फिर उस औरत ने बुराई के काम से कमाए हुए अपने तमाम असासे बेच दिए। उसका जो महल था उसने उसे बेच दिया, उसका जो सोने का पलंग था उसने वो भी बेच दिया, और अपने तमाम पैसे जायदाद सब कुछ गरीबों में बांट दिया। और इसके बाद इस औरत ने दिन रात सिर्फ तौबा की, नेक और परहेजगार हो गई। इसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जागी और ऐसा खौफ जागा कि अब ये औरत किसी गैर महरम के पास जाना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। ये औरत अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगी और अल्लाह ताला ने इस औरत को अपने करीब कर लिया और फिर उसके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि इसके सातों के सातों बच्चे अल्लाह के वली बन गए थे। तो दोस्तों, आपने तौबा करने की बरकत को मुलाहजा किया। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देता है। दोस्तों, हम सबको भी चाहिए कि अगर कभी हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, कोई भी गुनाह हो गया हो, तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लेने में ही भलाई है। क्योंकि साथियों, अल्लाह ताला तो रहमान है और रहीम है, वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को माफ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा, और जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। अपना और उनका बहुत ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।